नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त परवीन राणा, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के नए एपीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एल्गो क्रैब जो है वो एक मल्टी ब्रोकर एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप 15 से ज़्यादा अलग अलग ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिनमें कि एंजल ब्रोकिंग, एलिस ब्लू, फायर्स, पेटीएम मनी, धन, जीबू, 5 पैसा, ट्रेड स्मार्ट, फिनवेशिया, कोटक सिक्योरिटीज़, जीरोदा और काफ़ी सारे ब्रोकर्स शामिल हैं। तो जैसा कि मैंने आज के वीडियो में आपको बताया कि हम बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के नए एपीआई प्लेटफॉर्म के बारे में। तो कोटक सिक्योरिटीज़ का ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म चल रहा है, उसके अलावा अभी अभी उन्होंने लॉन्च किया है एक नया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोटक नियो। तो कोटक नियो को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है कोटक के साथ तो उसको किस तरीके से स्विच कर सकते हैं, और किस तरीके से आप एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है एल्गो क्रैब, उसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी व्यूअर्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और जो व्यूअर्स एल्गो ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक कंटेंट आपको एल्गो ट्रेडिंग और स्पेशली ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनने के बारे में होता है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा कोटक सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पर। अगर आपका कोटक सिक्योरिटीज़ में अकाउंट है तो आप kotaksecurities.com पर जाकर प्रोडक्ट्स के पेज पर जाएंगे, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप ओपन न्यू अकाउंट से ओपन कर सकते हैं अपना अकाउंट। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट्स में जाना है, और प्रोडक्ट्स में जाकर आपको कोटक नियो पे जाना है। जब आप कोटक नियो पे जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप नए कस्टमर हैं या एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं। अगर आपके पास कोटक सिक्योरिटीज़ का ऑलरेडी अकाउंट है, आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टैब दिखेगा जिस पे लिखा होगा स्विच टू कोटक नियो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इनका एक ऑटोमेटिक बॉट आ जाएगा, और अब ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप अपने आप को किस तरीके से ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, यानी कि आप किस तरीके से जानकारी देना चाहते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट की, वेबसाइट से लॉग इन करके या फिर OTP बेस्ड। अगर आपका मोबाइल कनेक्टेड है तो आप OTP बेस्ड करिए और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद ये आपसे OTP मांगेगा, और OTP डालने के बाद एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, उस पर आपको कंफर्म कर देना है। तो आपका अकाउंट जो है वो 24 घंटे में कोटक नियो के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। अब अकाउंट कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जब आपका अकाउंट कन्वर्ट होगा उसके बाद आपको यहाँ पर कोटक नियो API के लिए रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर भी आपको अपनी क्लाइंट ID डालकर रजिस्टर टू नियो ट्रेड API करना होगा। 24 आवर्स के बाद आपके पास दोनों डिटेल्स आ जाएंगी, कोटक नियो की अकाउंट स्विचिंग की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर API ट्रेडिंग की डिटेल्स भी आ जाएंगी। उसके बाद दोस्तों आपको API प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 2 मेल आए हैं। सबसे पहला जो ईमेल मेरे पास आया वो इस बात का आया कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट स्विच हो गया है और कोटक नियो में आप अब आ गए हैं। उसके बाद जो दूसरा मेरे पास मेल आया था वो था कोटक नियो की डिटेल का, जिस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग API की, ये मेरे पास डिटेल्स का मेल आया था। तो इन API से मुझे ऊपर दिए हुए URL पे लॉगिन करना होगा। तो इस URL को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लॉगिन का पेज खुल गया। यहाँ पर मुझे अपनी डिटेल से लॉगिन करना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं इस तरीके की स्क्रीन खुलती है। इसमें हमें डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन पर जाना होता है। जब हम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर OAuth टोकन्स ऐसा लिखा होता है। ऐसे में आपको जनरेट टोकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक जनरेट का बटन आएगा और उससे टोकन जनरेट हो जाएगा। लेकिन जनरेट करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर ना टाइम थोड़ा ज़्यादा रखें। जैसे मैंने यहाँ पर 1353600 लिखा, ये 1 साल का पूरा टाइम लिखा मैंने। तो टोकन की वैलिडिटी उतनी ही ज़्यादा रहती है, जितना ज़्यादा आप इसमें टाइम डालेंगे वो आपके लिए बेटर है। बाकी डेली आप वहाँ पर टोकन को जो है एक्सेस टोकन को वैलिडेट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको प्रोसेस आगे बताऊंगा। यहाँ पर आपको 31536
ट्रिपल जीरो लिखना है सारे कॉलम्स में, और उसके बाद आपको जनरेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है। जब आप जनरेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक टोकन मिलेगा, वो टोकन आपको कॉपी कर लेना है, और वो कॉपी करने के बाद वो हमारे प्लेटफॉर्म पे यूज़ होगा। तो यहाँ तक का प्रोसेस है जब आपका एपीआई जनरेट हो जाएगी कोटक नियो की, और उसके बाद उसको आपको लिंक करना है हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। तो प्लेटफॉर्म में आप algocrab.com पे आएंगे, वहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको 6 दिन का फ्री ट्रायल हमारी तरफ से मिलेगा। यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा, और उस डैशबोर्ड पे आपको कुछ हमारी स्ट्रेटजीज दिखाई देंगी। तो ये जो सारी स्ट्रेटजीज हैं ये प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज हैं, यानी कि अगर आपको ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको नहीं पता किस तरीके से एनालिसिस करनी है, किस तरीके से चार्ट्स को यूज़ करना है, तो आप हमारी प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज को भी यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के बाद उनसे ऑटोमेटिक सिग्नल जनरेट होते हैं, उन सिग्नल्स को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जाते हैं यहाँ पर वेबसाइट में, आपको ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में जाना है, वहाँ पर ब्रोकर में आपको कोटक नियो सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी कोटक नियो मैंने सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आपको नियो में मोबाइल नंबर अपना डालना पड़ेगा, जो भी आपका नियो के लिए मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, यानी कि जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसके बाद कोटक नियो का पासवर्ड डालना है। उसके बाद जो एक्सेस टोकन मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक बड़ी सी डिजिट आती है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, आपको सबसे पहले जाना होगा यहाँ पर जो आ रहा है ना प्रोडक्शन कीज लिखा रहा है, प्रोडक्शन कीज पे आपको जाना है, और उसके बाद आपको जनरेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जनरेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक बटन आएगा जनरेट का, उस पर क्लिक करने से एक टोकन आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेना आपको, और यहाँ पर जाके algocrab में यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद आपको जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो आपको गेट OTP का बटन आएगा, यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप और OTP वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद डायरेक्ट ये आपको रिडायरेक्ट करके हमारे पेज के डैशबोर्ड पर ले आएगा। अगर आप डैशबोर्ड के पेज पर आ गए, इसका मतलब टोकन आ गया आपका। ऑथेंटिकेशन में जाके आप आराम से चेक कर सकते हैं वैलिडेट टोकन पर क्लिक करके। अब यहाँ पर वैलिडेट टोकन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो अगर मेरे पास ग्रीन कलर का टोस्ट आएगा कि टोकन इज़ वैलिड है, तो एक्सेस टोकन वैलिड अगर ऐसा लिखा आता है तो मतलब कि अपना जो टोकन हमने लिया है वो वैलिडेट है, मतलब वो सही है। तो ये है प्रोसेस जो आपको करना है, और इस प्रोसेस को करने के बाद आपका अकाउंट जो है लिंक हो जाएगा कोटक सिक्योरिटीज से, और जब भी आपका कोई ट्रेड आएगा, जब भी आप कोई ट्रेड करना चाहेंगे एल्गो प्लेटफॉर्म से, तो वो ईजिली आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको अपना सिंबल क्रिएट करना है। अगर तो आप मान लीजिए किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या किसी फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कस्टमाइज स्ट्रेटजी पर क्लिक कर सकते हैं। कस्टमाइज स्ट्रेटजी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्रिएट अ सिंबल का बटन दिखेगा, यहाँ आपको स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी है जिस भी स्ट्रेटजी में आप ट्रेड करना चाहते हैं। मान लीजिए मनी मशीन पर आप ट्रेड करना चाहते हैं, जो कि एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है, इसको आप फ्यूचर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको NFO सिलेक्ट करना है, और आपको लिखना है निफ्टी NOV नवंबर। यहाँ पर नवंबर का फ्यूचर आ गया, इसको आप क्लिक कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी में आपको डालना है 50, और टारगेट और स्टॉप लॉस इसके डायनेमिक होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको ऑर्डर टाइप में MIS यूज़ करना है, क्योंकि ये एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक कार्ड बन के आ जाएगा, ये कार्ड आपको दिख रहा है, इस कार्ड को आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे ये ब्लैक कलर का हो गया, इसका मतलब आपका ऑटोमेटिक ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया। अब जब कभी भी इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में ट्रेड आएगा तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यही नहीं, इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं किसी चार्टिंग प्लेटफॉर्म से, जैसे कि MT4 हो गया या फिर ट्रेडिंग व्यू हो गया, तो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा, जो कि कल के दिन में आपको मिल जाएगी, और कल मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा किस तरीके से सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं और किस तरीके से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर आप यूज़ करते हैं कोटक का अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ पर ऑप्शन ब्रिज पे जा सकते हैं या फिर ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे जा सकते हैं। अगर आपको हमारी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है तो आप इस पे जा सकते हैं। नीचे दिए हुए लिंक्स में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से
आपको यहाँ यहाँ पर ये जो चीज़ें लेनी है उनके मैं डायरेक्ट URL आपको दे दूंगा, आप जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोटक का अकाउंट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एल्गो क्रैब पर अकाउंट खोलने से पहले आप अपना ये दोनों कोटक के स्विच वाला जो यहाँ पर देखिए आप स्विच टू कोटक नहीं लिखा, ये वाला काम आप ज़रूर कर लें, और उसके बाद आप न्यू ट्रेड API भी ज़रूर ले लें, क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत कंपलसरी है। जब आप न्यू ट्रेड API लेंगे तो आपके मेल पे इस तरीके से एक मेल आएगा, उस मेल में QRL आएगा, उस पर क्लिक करना है, ID पासवर्ड आपको ये वाले डालने हैं। डालने के बाद इस तरीके का प्लेटफॉर्म खुलेगा, वहाँ पर आपको प्रोडक्शन कीज में जाना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको ये चीज़ें चेंज कर देनी है, ये टाइम फ्रेम चेंज कर देना है, और उसके बाद जनरेट टोकन पे क्लिक करना है। जो भी टोकन आपको मिलेगा उस टोकन को कॉपी कर लेना है, एल्गो क्रैब पर आकर ऑथेंटिकेशन में उस टोकन को यहाँ पर डाल देना है, और डालने के बाद अपडेट करके गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है। OTP आएगा, OTP डाल देना, उसके बाद आपका काम खत्म, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद अपने आप ट्रेडिंग होगा, और ये जो भी प्रोसेस मैंने आपको दिखाया ये आपको लेंथी प्रोसेस लग सकता है, बट ये वन टाइम प्रोसेस है, ये बार बार और रोज आपको नहीं करना है। रोज सिर्फ आपको आकर गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है, OTP आएगा मोबाइल पर, वो यहाँ डाल के अपडेट कर लेना है, बस इतना ही काम है। और ये काम करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का वक्त लगेगा। एल्गो क्रैब पर बाद में रजिस्ट्रेशन करना जब आपके पास ये दोनों डिटेल आ जाए, क्योंकि अगर आपने पहले कर लिया तो 6 दिन आपके बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन का प्रोसेस है कोटक पे भी ये सब चीज़ें आपका आने का। तो जब आपके पास सारी डिटेल आ जाए उसके बाद आप एल्गो क्रैब का प्लेटफॉर्म यूज़ करें, 6 दिन का फ्री ट्रायल लें। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो हमारे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें जो कि आपको नीचे दिख रहे हैं, उन सब नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे द्वारा आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, तो सुबह 9:30 से लेकर शाम को 5:30 तक आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आपको प्रॉपर जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।